गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्थ यूनिट को कंप्लीट किया था। आज मैं फिफ्थ यूनिट को स्टार्ट करवा रही हूँ और फिफ्थ यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो ये कंप्लीट जो चैप्टर है वह है इकोलॉजी का। इकोलॉजी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो इकोलॉजी एक तरह की ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जो कि डील्स करती है विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट है जो कि ऑर्गेनिज्म के आसपास प्रेजेंट होता है और जो ऑर्गेनिज्म है उन दोनों में इंटरेक्शन क्या होता है और किस तरह से एक दूसरे से वो बेनिफिट गेन करते हैं। और इसके अलावा जो इकोलॉजी होती है एक तरह की साइंटिफिक स्टडी होती है इंटरेक्शंस की, जो कि डिटरमाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू देयर एनवायरनमेंट। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म से ही। जो ऑर्गेनिज्म होता है एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है इनटू विच डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स स्पेशली ऑर्गन सिस्टम्स अरेंज्ड होते हैं, जो कि एक तरह से कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और अगर ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो स्मॉलेस्ट लेवल होता है इकोलॉजिकल हायरार्की का। अगर इकोलॉजिकल हायरार्की मतलब इससे पहले जितने भी आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन सेल्स से होती है। तो सेल्स का ग्रुप जो होता है उसको टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन बोला जाता है और ऑर्गन्स के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। और फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम अरेंज होकर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और एक तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई होगा। तो जहाँ तक सेल्स से लेकर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होने तक इसको बोला जाता है लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आगे क्या होता है, जैसे ही ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन बोला जाता है और पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है उसको कम्युनिटी बोला जाता है और कम्युनिटी का ग्रुप जो बनकर इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करती है। और जब भी इकोसिस्टम कंबाइन होकर एक लार्ज यूनिट की फॉर्मेशन कर देता है जिसको बायोस्फीयर बोला जाता है। तो उसमें मैंने बताया कि जो इकोलॉजिकल हायरार्की होती है वो फर्स्ट यहाँ से इकोलॉजिकल हायरार्की स्टार्ट हो जाती है। तो ये लोवेस्ट लेवल होता है इकोलॉजिकल हायरार्की का और ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक इसको बोला जाता है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है और जो उसे बोला जाता है पॉपुलेशन, बट जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम स्पीसीज के होते हैं और सेम स्पीसीज के होने के बाद उसे पॉपुलेशन कहा जाता है और ये पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स आप ह्यूमन बींग्स की लगा लो, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है स्पेशली ह्यूमन बींग्स उन्हें बोला जाएगा ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज इंक्लूड की जाती है ह्यूमन्स की, इसमें डॉग कैट इन सभी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसमें सिर्फ ह्यूमन्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी। ये कम्युनिटी जो होती है वो ग्रुप होती है पॉपुलेशंस का और इसमें डिफरेंट स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है। जो कम्युनिटी होती है उनमें सभी स्पीसीज को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि डॉग है, कैट, प्लांट्स, एनिमल्स, तो उन सभी को कोई भी जैसे पर्टिकुलर एरिया है इसमें जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है, फिर चाहे वो डॉग हो, कैट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग हो, तो उन सभी के स्पीसीज को मिलाकर उसे कम्युनिटी कहा जाता है। और फिर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक तरह की बायोटिक कम्युनिटीज़ होती हैं जिसमें जितनी भी टोटल कम्युनिटीज़ होती हैं हर एक एरियाज़ की उन्हें इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा एबायोटिक एनवायरनमेंट को भी इकोसिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें इंक्लूड किया जाता है बायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों ही कम्युनिटीज़ को मिलाकर इकोसिस्टम की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है ताकि एक तरह का जियोग्राफिकल रीजन्स में जितने भी टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं वर्ल्ड के उन सभी को मिलाकर बायोस्फीयर की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, अर्थ में डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, उन सभी के इकोसिस्टम को मिलाकर एक लार्ज यूनिट की फॉर्मेशन हो जाती है उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। और जैसे कि अर्थ में हर तरह के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जितने भी हमने ये इकोसिस्टम स्टडी किए हैं, जैसे सब यूनिट इकोसिस्टम हो गया, कम्युनिटी हो गई, पॉपुलेशन हो गया, तो एक ये सभी क्या होते हैं, सब यूनिट्स होती हैं बायोस्फीयर की। और इसके अलावा इसे इकोस्फीयर भी बोला जाता है और लाइफ सपोर्टिंग जोन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और वो यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होता है एक तरह का सराउंडिंग होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास जितना भी सराउंडिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन में जो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ को और उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है। एक तरह का सराउंडिंग एरिया होता है। और एनवायरनमेंट में फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। फिजिकल मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट फिजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होंगे, और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में लिविंग फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। और जो प्लेस जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट बोला जाता है, और हर एक हैबिटेट का अपना अलग से खुद का एक एनवायरनमेंट होता है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट के मेन टू टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनमें इंक्लूड किया जाता है टेम्परेचर को, वाटर को, लाइट एंड सोइल को। बायोटिक फैक्टर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, इन सभी को बायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड किया जाता है। और ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्लांट्स एनिमल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्लांट प्लांट इंटरेक्शन भी हो सकता है। जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट पर फीड करते हैं, एक तरह से फूड के लिए उन पर डिपेंड होते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स बोला जाता है। कंज्यूमर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो उन्हें कंज्यूम करते हैं, इसीलिए एनिमल्स को कंज्यूमर्स बोला जाता है। और जो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है, जो कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, फिर जो डेड बॉडीज होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उनको डिकम्पोज करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रिपेयर करता है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब प्लांट की डेथ हो जाती है। सिमिलरली एनिमल्स के साथ भी ऐसा होता है, तो जैसे इनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर जैसे उन्हें सोइल में ब्रीड कर दिया जाता है, या फिर वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि वो इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, डिकेइंग का प्रोसेस जो होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें डिकम्पोजर्स बोला जाता है। और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें मोर देन मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इनमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अगर बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स हैं एबायोटिक फैक्टर्स, जिनमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोइल को इंक्लूड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स से, और इनमें फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर को। तो जो टेम्परेचर होता है ये ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी को डिपेंड ऑफ एक्टिविटी को इफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो जो ऑर्गेनिज्म की जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं या फिर जितनी भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। नॉर्मली होता क्या है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें मैच्योरेशन ऑफ गोनाड्स और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू, ये दोनों ही प्रोसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और ये वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल इन ब्लोफ्लाई, जिसे कैलिफोरा बोला जाता है, इट्स साइंटिफिक नेम है ये इसका, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एग्स होते हैं हर एक फीमेल में, जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं कि वो कितने एग्स को ले करेगी, वो नंबर इंक्रीज़ कर दिया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है जो नंबरिंग है एग्स की वो भी इंक्रीज़ कर दी हो जाती है, बट वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक होती है, फॉर एग्जाम्पल 32.5 डिग्री सेल्सियस तक। बट अगर इस रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो जो नंबर है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली जो क्रोटोगोनस जो कि एक इंसेक्ट है, इसमें भी एग लेइंग की जो नंबर है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी टेम्परेचर के थ्रू इफेक्ट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रिया वर्जीनिया, इसमें क्या होता है, जब भी टेम्परेचर को 20 टू 20 डिग्री
10 to 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया जाता है तो जो ऑस्ट्रिया और वर्जीनिया होता है इसका जो बॉडी साइज होता है वो भी इंक्रीज़ किया जा सकता है फ्रॉम 1.5 to 10.3 mm. तो बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी. तो जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट काफ़ी ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी को भी इफेक्ट करता है और इसी प्रोसेस के बेस पर टू डिफरेंट टाइप के रूल्स भी दिए गए थे. फर्स्ट है बर्गमैन रूल एंड सेकेंड वन इज़ एलेंस रूल. जो फर्स्ट रूल है बर्गमैन रूल, इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं स्पेशली इन कोल्ड रीजन्स में जो ये प्रेजेंट होते हैं इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स प्रेजेंट इन वार्मर रीजन. मतलब जो कोल्ड रीजन में जो एनिमल प्रेजेंट होते हैं और दूसरे जो वार्म रीजन में प्रेजेंट होते हैं तो कोल्ड रीजन वाले जो एनिमल्स होते हैं इनका साइज़ काफ़ी लार्ज होगा और जो वार्म रीजन में प्रेजेंट होते हैं इनका साइज़ स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रीजन एनिमल्स. और इनमें फॉर एग्जांपल जो पोलर बियर होते हैं काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं और जो ब्लैक बियर होते हैं जो कि वार्मर रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनका साइज़ स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू पोलर बियर. नेक्स्ट है एलेंस रूल. जो एलेंस रूल होता है इसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स कोल्डर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स लाइक टेल ईयर्स एंड लेग्स स्पेशली मैमल्स के वो शॉर्ट इन साइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्मर पार्ट्स जिसमें एनिमल वार्मर पार्ट्स में जो एनिमल प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स थोड़े लार्ज साइज़ के होंगे और कोल्डर पार्ट में जो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे उनके जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो स्मॉल साइज़ के होंगे. और इन्हें फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था इन फॉक्सेस एंड गेजर्स. और इसके अलावा जो पिने होते हैं पिने ऑफ डेजर्ट, तो डेजर्ट में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनके पिने काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स प्रेजेंट इन कोल्डर रीजन. फॉर एग्जांपल रेड फॉक्सेस एंड आर्टिक फॉक्सेस, इनके जो पिने होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और जो डेजर्ट में जो फॉक्सेस पाए जाते हैं उनके पिने लार्ज साइज़ के होते हैं. नेक्स्ट है टेम्परेचर टॉलरेंस के बेसिस पर जो एनिमल्स हैं उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है यूरीथर्मल, सेकेंड स्टेनोथर्मल एंड थर्ड वन इज़ मेसोथर्मल. जो फर्स्ट है यूरीथर्मल, जो ये एनिमल्स होते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. स्टेनोथर्मल स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. और जो मेसोथर्मल होते हैं ये हाई समर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और लो विंटर टेम्परेचर, इन दोनों को ये टॉलरेट कर सकते हैं. तो इसमें वाइड रेंज होते हैं यूरीथर्मल में टेम्परेचर के, स्टेनो में नैरो रेंज होती है और मेसो में हाई समर टेम्परेचर और लो विंटर टेम्परेचर होता है. नेक्स्ट है जो एनिमल्स होते हैं वो टेम्परेचर के बेसिस पर हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के प्रोसेस को भी शो करते हैं. प्लांट्स क्या होते हैं कि जब भी ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मीन्स विंटर स्लीप में, ताकि वो विंटर सीजन जो होता है उसको अवॉइड कर सकें. और ये मोस्टली पाया जाता है फ्रॉग एंड लिजर्ड्स में. नेक्स्ट है एस्टिवेशन, जिसे समर स्लीप भी बोला जाता है. तो वो ज़्यादा जो कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, हाई टेम्परेचर जो होता है, एनिमल्स उसको अवॉइड करने के लिए समर स्लीप शो करते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं और समर स्लीप को बोला जाता है एस्टिवेशन. और ये मोस्टली पाया जाता है लंग फिशेज में एंड इंसेक्ट्स में. नेक्स्ट है साइक्लोमोर्फोसिस. जो साइक्लोमोर्फोसिस होता है इसका मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंज हो जाना विद सीजनल टेम्परेचर चेंजेस. तो जैसे ही सीजनल टेम्परेचर जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं, वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी शेप में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को बोला जाता है साइक्लोमोर्फोसिस. और ये मोस्टली एक्वेटिक क्रिएचर्स में पाया जाता है लाइक क्लैडोसेरा, डेफनिया. जो डेफनिया जो एनिमल होता है इसका जो हेड पर एक तरह का हेलमेट प्रेजेंट होता है और जो हेलमेट जो प्रेजेंट होता है इसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स. तो अब तक जितने इफेक्ट्स हमने स्टडी किए थे वो मोस्टली एनिमल्स पर हमने स्टडी किए थे. नेक्स्ट है कि जो टेम्परेचर है वो एनिमल्स को कैसे इफेक्ट करता है. फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म. जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जो कि और ये जितने भी रिएक्शंस होती हैं वो सब भी एंजाइम कंट्रोल्ड होती हैं. एंजाइम इनमें मेन फंक्शन परफॉर्म करती हैं और जो एंजाइम होते हैं इनकी एक्टिविटी ईजिली इफेक्ट कर दी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर. तो जैसे ही टेम्परेचर अबोव या बिलो हो जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो जो केमिकल रिएक्शन है वो डिक्रीज भी हो सकती है और या फिर काफ़ी हद से ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है या फिर इसे इनहिबिट या फिर स्टॉप किया जा सकता है. ऑप्टिमम टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो काफ़ी हाई होती है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी हाई होता है और इससे
पहले जो टेम्परेचर होता है इसको बोला जाता है मिनिमम टेम्परेचर, और अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो इसे बोला जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो अगर इस टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर हो जाए या फिर इससे ऊपर हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो काफ़ी इफेक्टेड होता है, इस जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्पेशली वाटर स्ट्रेस हो जाता है। मीन्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो जाएगा, जिससे जो प्लांट है उन्हें वाटर स्ट्रेस को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन। ऐसी बहुत सी प्लांट स्पीसीज होती है जिन्हें लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है फॉर सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। तो ऐसे प्लांट जो कि लो टेम्परेचर में फ्लावरिंग शो करते हैं उन प्लांट्स में जो वर्नलाइजेशन होता है वो शो होता है। तो वर्नलाइजेशन एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लो टेम्परेचर में प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इंजरीज ड्यू टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। मीन्स जो प्लांट की स्पीसीज होती हैं ऐसे की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जिनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू विंटर फ्रॉस्ट, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है जिसकी वजह से जो सेल्स में जितना भी वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो डेसिकेट हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी प्रोलोंग्ड फ्रीजिंग होती है काफ़ी लो टेम्परेचर जो प्लांट्स होते हैं उनको काफ़ी देर तक उसे फेस करना पड़ता है, तो जो प्लांट्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है प्लांट सेल्स में और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव हाई टेम्परेचर की वजह से भी प्लांट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट है जब भी जो टेम्परेचर हद से ज़्यादा जब भी इंक्रीज़ हो जाता है जो क्लोरोफिल होता है वो लॉस हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोसिस हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो जो लीव्स होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है क्लोरोसिस। तो वो होता है क्लोरोफिल की लॉस की वजह से। तो हाई टेम्परेचर होगा तो क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाएंगे, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं थोड़े येलो कलर के हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरोसिस। इसके अलावा जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है ट्रांसपिरेशन को, प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है। विल्टिंग मतलब एक तरह से मुरझा जाते हैं और एक तरह से कोइलिंग फॉर्म में आ जाते हैं, और इस कंडीशन को बोला जाता है लीफ स्कॉर्च। तो फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट है वो है लाइट। लाइट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोलर रेडिएशंस का, जो कि अर्थ पर पहुँचती हैं, और जो लाइट होते हैं एसेंशियल पार्ट है लाइफ का भी, और ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। आपको पता ही हुआ कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को लाइट के प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं, बट अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से जो लाइट होती है वो प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइट पर ही डिपेंड करती है। जो फर्स्ट इफेक्ट है लाइट का वो है सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट। तो जो लाइट होती है वो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं लीव्स में उनकी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो ब्राइट पिगमेंट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं उनकी फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और पोलिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। आपको पता ही हुआ कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो जो सनलाइट होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई इन ब्लू एंड रेड लाइट। तो जब भी सनलाइट एब्जॉर्ब होती है तो आपको पता होगा उसमें डिफरेंट टाइप की लाइट्स प्रेजेंट होती हैं, लाइट स्पेक्ट्रम को आपको पता ही होगा। तो उसमें जो ब्लू एंड रेड लाइट होती है इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काफ़ी हाई होती है, और जो कि ग्रीन लाइट होती है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट है नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो लाइट होती है वो क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट को भी काफ़ी इफेक्ट करती है। जो लाइट इंटेंसिटी होती है उसके बेसिस पर क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें दो तरह से अरेंजमेंट होती है। फर्स्ट है एपिस्ट्रोपी एंड सेकेंड वन इज पैरास्ट्रोपी। जो एपिस्ट्रोपी होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो खुद को पैरेलली अरेंज कर लेते हैं टू द हॉरिजॉन्टल वॉल्स, और ये होता है मॉडरेट लाइट में।
जो पेरास्ट्रोपी होता है ये स्ट्रोंग लाइट में होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट खुद को वर्टिकल वॉल्स के अगेंस्ट अरेंज कर लेते हैं ताकि वो स्ट्रोंग लाइट को अवॉइड कर सके। तो ये अरेंजमेंट है एपिस्ट्रोपी, जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं खुद को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से जो लाइट होती है डायरेक्टली इन पर पड़े और ये काफ़ी हद ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। और जो पेरास्ट्रोपी होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट खुद को वर्टिकल वॉल्स के अगेंस्ट अरेंज कर लेते हैं इस तरह से ताकि जब भी स्ट्रोंग लाइट इनके ऊपर आए तो ये साइड से ही पास हो जाए, इनके ऊपर ना पड़े और ये खुद को बचा सके हाई लाइट से और एक तरह से हाई इंटेंसिटी लाइट को अवॉइड कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। तो जो लाइट होती है ये इनडायरेक्टली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को भी इफ़ेक्ट करती है, इसके रेट को इंक्रीज़ कर देती है। तो आपको पता ही होगा कि जैसे भी ये लीफ है, लीफ के ऊपर जैसे हाईलाइट पड़ती है, हाईलाइट इंटेंसिटी आती है, तो इस पर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होते ही ट्रांसपिरेशन का रेट जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और एक तरह से जो स्टोमेटा होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है जो प्लांट्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट हो जाते हैं ईजिली बाई लाइट, तो इन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हेलियोफाइट्स, सेकंड वन इज शियोफाइट्स। जो हेलियोफाइट्स होते हैं इन्हें सन लविंग प्लांट्स भी बोला जाता है जो कि मोस्टली सनलाइट में ईजिली ग्रो कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइंस। और इसके अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं शियोफाइट्स, ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं जो कि मोस्टली सनलाइट को अवॉइड करते हैं और इसी वजह से इन्हें शेड लविंग प्लांट्स या फिर शियोफाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है फोटोब्लास्टिक मूवमेंट। फोटोब्लास्टिक मूवमेंट एक तरह से वो रिस्पॉन्स होता है जो कि सीड्स लाइट की टुवार्ड देते हैं। जैसे ही लाइट सीड पर आती है तो सीड डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्स देते हैं जिन्हें फोटोब्लास्टिक रिस्पॉन्स बोला जाता है। जो सीड जर्मिनेशन होता है उसे फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक एंड नॉन फोटोब्लास्टिक। फर्स्ट है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, इसमें सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट को रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, लाइट की प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसे पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक कहा जाता है। सेकंड है नेगेटिव फोटोब्लास्टिक, इसमें एब्सेंस ऑफ लाइट होती है जहाँ पर जो सीड होते हैं डार्कनेस में ईजिली ग्रो कर जाते हैं, लाइट की एब्सेंस होती है इसीलिए इसे नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन फोटोब्लास्टिक, तो इसमें जो सीड होते हैं वो ईजिली जर्मिनेट कर जाते हैं, फिर वहाँ पर लाइट प्रेजेंट हो या ना हो उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए इन्हें नॉन फोटोब्लास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टोमेटल ओपनिंग, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो लाइट के थ्रू ही होती है और एक जब भी लाइट आती है तो एक तरह से स्टोमेटा ओपनिंग के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो पाता है, तो एक तरह से ये फोटोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैलिक एसिड फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, स्पेशली ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं, इसमें लाइट जो होती है वो स्टिमुलेट कर देती है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो कि जैसे कैंप प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होता है वो डे टाइम पर क्लोज हो जाते हैं और नाइट टाइम पर ओपन हो जाते हैं, और इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है वेरियस फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए भी लाइट रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग ऑफ शूट एंड सनफ्लावर ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द पोजिशन ऑफ सन, इन दोनों को ही फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोला जाता है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स मीन्स जो मूवमेंट जो प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं ड्यू टू द लाइट, तो जैसे ही लाइट प्लांट्स पर आती है तो वो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो करते हैं जिन्हें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। और अगर आपने कभी भी सनफ्लावर को नोटिस किया हो तो जो सनफ्लावर होता है वो अपने फेस को जो फ्लावर होता है मोस्टली उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाता है जहाँ पर सनलाइट होता है, जहाँ पर सन तो एक तरह से वो सन को फेस करके रखता है, तो ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में आता है। नेक्स्ट है जो लाइट होती है वो ऑक्सीजन्स एंड जो दूसरे ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं इनको भी इनके प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है जिससे कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी इफेक्टेड होती है। तो यहाँ पर जो सेकंड एबायोटिक फैक्टर है लाइट वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर को भी एबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किया जाता है और जो वाटर होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए एसेंशियल होता है, इम्पोर्टेंट होता है और ये मोस्टली अकर होता है स्नो रेन स्लेट फ्रस्ट एंड फॉग की फॉर्म में इन द एनवायरनमेंट। और जो वाटर होता है स्पेशली 45% ऑफ वाटर जो कि रिवर में फ्लो करता है, 20% जो वाटर होता है वो परकुलेट करता रहता है सोइल में, और 35% जो वाटर होता है वो वेपरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाता है।
और जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम सोयल, और जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो वाटर को ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम पूल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। और जितना भी टोटल वाटर जो कि सोयल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे होलार्ड कहा जाता है। तो होलार्ड क्या होता है? एंटायर वाटर कंटेंट ऑफ द सोयल, तो इसे होलार्ड कहा जाता है। और फिर होलार्ड जो होता है क्रेसार्ड एंड एकार्ड इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। जो क्रेसार्ड है ये होलार्ड का वो पार्ट होता है जो कि प्लांट्स के लिए जो वाटर अवेलेबल होता है, तो वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज कॉल्ड क्रेसार्ड। और जो एकार्ड होता है वो होलार्ड का वो पार्ट होता है जिसमें जो वाटर होता है वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है, प्लांट्स इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसमें इंक्लूड किया जाता है कैपिलरी वाटर को, जो कि क्रेसार्ड में इंक्लूड किया जाता है इसको। जो कैपिलरी वाटर होता है वो ये वो वाटर होता है जो कि नैरो स्पेस में प्रेजेंट होता है बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। तो सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो नैरो स्पेस होता है उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कैपिलरी वाटर होता है, जिससे जो प्लांट होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एकार्ड। जो एकार्ड जो वाटर होता है इसमें इंक्लूड किया जाता है ग्रेविटेशनल वाटर को एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर को। ग्रेविटेशनल वाटर वो होता है जो कि सोयल में काफ़ी डीप नीचे तक चला जाता है, इवन वाटर टेबल तक पहुंच जाता है। तो ज़्यादा डीप होने की वजह से जो प्लांट रूट्स होते हैं ये इतना डीप नहीं पहुंच पाती है जिससे कि वो इसको एब्जॉर्ब कर सकें, तो एक तरह से अनअवेलेबल होता है टू द प्लांट्स। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जो सोयल पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने सरफेस पर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से टाइटली बाउंड हो जाता है वाटर इनके साथ, तो इसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है, जिसे प्लांट इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो सोयल पार्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और टाइटली बाउंड होते हैं। नेक्स्ट है जो वाटर होता है उसमें डिफरेंट टाइप का सोल्ट डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सोल्ट कंसनट्रेशन होता है जो वाटर में प्रेजेंट होता है उसको सेलिनिटी बोला जाता है। और जो इनलैंड वाटर होता है स्पेशली इनलैंड वाटर में इंक्लूड किया जाता है फ्रेश वाटर को, तो फ्रेश वाटर में लेस देन 5% सेलिनिटी प्रेजेंट होता है, सोल्ट कंसनट्रेशन प्रेजेंट होता है। सी एंड ओशन वाटर जो होता है उसमें 30-35% सोल्ट प्रेजेंट होता है, और हाइपर सेलाइन वाटर जो होता है उसमें मोर देन 100% सोल्ट प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो सोल्ट का कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई होता है। तो सैलिनिटी की बेसिस पर जो प्लांट्स होते हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूरीहेलाइन एंड सेकंड वन इज स्टेनोहेलाइन। जो यूरीहेलाइन ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मोस्टली टॉलरेट कर सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, फॉर एग्जांपल माइग्रेटरी फिशेज, इसमें कुछ प्लांट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनोहेलाइन, इसमें जो प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म एनिमल जो होते हैं वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर फिशेस। नेक्स्ट है जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि केमिकल रिएक्शंस को फैसिलेट करवाता है और इसमें प्रमोट एक तरह से इन्हें इनके रेट ऑफ रिएक्शन को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो वाटर होता है वो डिसोसिएट हो सकता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्मेशन होती है, और फिर ये दोनों ही मेंटेन करके रखते हैं कॉन्स्टेंट पीएच इन द लिविंग सिस्टम। तो किसी भी लिविंग सिस्टम में फिर जो पीएच होती है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है जो वाटर होता है वो काफ़ी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें एक तरह का रिएजेंट का काम करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर दिए जाते हैं टू द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन। आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ाई होगा कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन होता है वाटर का, जिसपे प्रोटॉन्स की फॉर्मेशन होती है और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन होती है और O2 की फॉर्मेशन होती है। तो O2 को एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, जो H पॉजिटिव होते हैं उसे लाइट रिएक्शन में यूज कर लिया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो एक तरह से वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो सभी स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूनाइट हो जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज कर लिया जा रहा है लार्ज मॉलिक्यूल को और वाटर को रिमूव किया जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस।
और कुछ जो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी अगर लार्ज मोलिक्यूल्स तरह से प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, तो अगर इसमें वाटर को ऐड कर दिया जाए तो जो लार्ज मोलिक्यूल होता है स्प्लिट हो जाता है इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल्स बाय एडिंग वाटर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिटिक स्प्लिटिंग। हाइड्रोलिटिक स्प्लिटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक मतलब वाटर का एडिशन होना, स्प्लिटिंग मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो लार्ज मोलिक्यूल्स स्मॉलर पार्टिकल्स या फिर स्मॉलर मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके अलावा जो वाटर होते हैं वो फूड को ट्रांसलोकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स। वाटर एक तरह से जो सेल्स होते हैं उनकी टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं और जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी कॉन्स्टेंट बनाकर रखते हैं। और जो वाटर होता है वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी डिसाइड करते हैं इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जेरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर का जो अमाउंट होता है काफ़ी लो प्रेजेंट होता है। तो जो वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और जो जेरिक प्लांट्स होते हैं उन दोनों में की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है, उनमें लीव्स डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं और उनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट रेट पर होती है। नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है वो है सॉइल। जो सोयल होती है एक तरह की ब्रोकन पार्टिकल लेयर होती है और वेदर्ड लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, जो कि ह्यूमस के साथ स्पेशली ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलकर और डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ मिलकर सोयल की फॉर्मेशन हो जाती है या फिर एक तरह के ऐसे मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उन्हें प्रमोट करते हैं या फिर प्लांट या ग्रोथ की प्लांट्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जो सोयल होती है एक तरह का नेचुरल मीडियम होता है जो कि फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूट सिस्टम हो द प्लांट और एक तरह से रिजर्वायर ऑफ वाटर, मतलब वाटर सोर्स की तरह काम करता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सोइल से ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक तरह से वाटर सोर्स है सोइल फॉर प्लांट्स और न्यूट्रिएंट का भी काम करती हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं या फिर जितने भी डिफरेंट टाइप के आयंस होते हैं वो सभी प्लांट्स सोइल के थ्रू ही एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल फॉर्मेशन जो होती है वो दो स्टेप प्रोसेस होती है। फर्स्ट है विदरिंग ऑफ रॉक्स, तो जितनी भी बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनकी विदरिंग हो जाती है, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो रॉक्स होते हैं विदर्ड हो जाती हैं और जिससे स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद होता है पेडोजेनेसिस या फिर सोइल डेवलपमेंट। तो जैसे ही रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि रॉक की एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो इन रॉक्स पर जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर जाएंगे और ग्रो करने के बाद वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स को रिलीज कर देते हैं, सिक्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ये रॉक्स होते हैं और भी स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आया है उसकी डेथ के बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है इस रूप में ही ऐड होता जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये कंटिन्यू रिपीट हो जाता है, तो रिपीटेड होने की वजह से इसमें कंटिन्यूस जो ह्यूमस होती है ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऐड होता जाता है और फिर एक सोइल की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है सोइल के बेसिस पर ही जो प्लांट्स हैं उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो एक्सट्रीम सलाइन सोइल में ग्रो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोफोरा। तो इसमें जो सलाइन सोइल में जो सोल्ट कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट है सेमोफाइट्स। जो सेमोफाइट्स प्लांट होते हैं वो सैंडी सोइल में ग्रो करते हैं। जो लिथोफाइट्स होते हैं ये रॉकी सरफेसेस में ग्रो करते हैं और जो ऑक्सिलोफाइट्स होते हैं ये एसिडिक सोइल्स में ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल मेज एंड पोटैटो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं।